दादियाँ हमारे दादा दादा ही चली आ रही है और उसके बाद हमारे अब्बा बनाते थे, अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो ये ताजिया हम बकरीद के फौरन बाद छुट्टी में इसका काम चालू कर देते, तकरीबन 50 साल हो गए ताजियेदारी हमारी। और इस वक्त हम जो है अब्दुल जब्बार मस्जिद के पास रमज़ानपुरा में मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम है सुहैल अहमद मोहम्मद इरफान। ताजिया बना रहा हूँ कम से कम 8 से 10 साल से, और मेरे से पहले कुछ लोग यहाँ पे ताजिया रखते थे, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद मैं इन्हें रख रहा हूँ। ताजिया की तैयारी हम लोग कम से कम बकरीद के बासी या त्यवासी के दिन लेके आते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। शमशेर है, मैं ताजिया 1970 से रखने लगा हूँ। उस वक्त तो मैं कांडी मशीन रखता था, कुछ मेरे को ऐसा एहसास हुआ, उस तरीके से मैं ताजिया रखना चालू किया। बरकातहू, मैं सुन्नी ताजिया कमेटी का एक मेंबर और एक रुकन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान शुक्र फज़ल करम है। और ये इलाका जीलानी नगर है, ये ताजिया अल्हम्दुलिल्लाह 11 सालों से रखते हुए आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से रख रहे हैं। और ये ताजिया इमाम पाक इमाम आले मकाम अल जद्दा वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ मेरे एक बिरादर अजीज़ जो मेरे सामने बैठे हैं अब्दुल रहीम भाई, जो इनकी मेहनत मशक्क़तें हैं, हम दोनों ने मिलकर बनाई है। 11 घंटे में हम लोगों ने ताजिए को मुकम्मल किया, तैयार किया। चांद इससे पहले पहले हम लोगों ने सारी कोशिशें मशक्क़तें मेहनतें करके हम लोग